हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैं लेके आई हूँ सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी का कैसे ख्याल रखा जाए। क्योंकि मैंने पिछला जो वीडियोस बनाया था सिजेरियन डिलीवरी के वक्त जो पेन होता है या नहीं, या तो फिर बॉय एंड गर्ल जो प्रोडक्शन है उस पर मैंने बनाया था। आप सभी ने बहुत 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 प्यार दिया है उन वीडियोज पर, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और साथ देने के लिए। ऐसे ही अपना जो प्यार और सहकार है वो बनाए रखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट डिलीवरी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बॉडी में आपके बहुत सारी चेंजेस लेके आती हैं, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो हैं बहुत उथल पुथल हो जाते हैं। तो सारी चीजों को हमने कंट्रोल करना रहता है और बहुत जो है वो सोच समझ के चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप एक नई नई माँ बनी है, बच्चा भी आपके साथ है, नींद आपको नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो किया था अजवाइन मेथी का पानी पीना। अजवाइन मेथी, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता होगा कि अजवाइन मेथी का पानी जो है ना वो आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, और तो और आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो बहुत अच्छा है। मिल्क जो है वो आपका बहुत अच्छा बनता है। और थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि एसिडिटी आपको नहीं होती है। जब एसिडिटी आपको नहीं होगी तो सिंपल सी बात है आपके बच्चे को भी नहीं होगी। तो मेरी बेटी को होता था एसिडिटी, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम होता था। मतलब मुझे लगता है 15-20 दिन में कभी उसको एक आध बार स्टार्टिंग में होता है, होता रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बच्चों को सबसे ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद तो वो यूज टू हो जाते हैं चीजों से। तो सबसे अच्छा है अगर आपको हेल्दी फिट एंड फाइन रहना, तो आप अजवाइन मेथी का पानी पीजिए। और मैंने है ना सवा महीना पिया था, और सवा महीना आपको अगर ऐसा है ना तो आप ज्यादा भी पी सकते हैं। अगर आपकी ठंड में डिलीवरी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आप कुनकुन जो पानी है अजवाइन मेथी का वो आप कंटिन्यू 2-3 महीने पीजिए, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे। मैंने तो बहुत पिया है, मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। और जो सेकेंड है वो बोलते हैं आप सॉक्स पहन के रखिए, कान बांध के रखिए, कान में रुई डाल के रखिए। तो देखिए ये बोला जाता है तो बिल्कुल सही बोला जाता है। मैंने है ना, मैं आपको शेयर करूंगी फोटोज, मैंने सवा महीने तक कान जो मेरे हैं वो कवर करके रखे थे, सॉक्स पहन के मैं रखती थी, चप्पल पहनती थी मैं घर में। तो ये सारी चीजें आप कीजिए, ताकि बोलते हैं पहले के लोग बोलते थे कि आपको शीत नहीं लगना चाहिए, ठंड नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बच्चे को ज्यादा इफेक्ट होगा। तो सही बात है, क्योंकि आप फीड करा रहे हो बट ऑब्वियस बच्चे को, तो आपके थ्रू ही बच्चे को चीजें जा रही हैं। तो मैं, मेरी जो डिलीवरी है वो सेप्टेम्बर में हुई थी, और यहाँ पे जो गांव की अपेक्षा यहाँ पे कोई ठंड वंड नहीं पड़ती है, तो यहाँ बहुत गर्मी। और डिलीवरी के बाद ना जनरली होता भी है कि बहुत आपको गर्मी लगती है, मुझे तो बहुत स्वेटिंग होता था, बहुत गर्मी लगती थी, पर फिर भी मैंने रुई डाल के, कान बांध के, सॉक्स पहन के, चप्पल पहन के मैं रहती थी। तो ये सारी चीजों की वजह से ना आपका बॉडी तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, प्लस बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और थर्ड है कि आप मसाज स्टार्ट करवा सकते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप सवा महीने के बाद जो है वो मसाज जो है वो आप स्टार्ट करवा सकती हो। तो मेरा जब सवा महीना कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने मसाज स्टार्ट करवाया था। तो डॉक्टर बोलती है पेट पे ज्यादा जो मसाज होता है वो ज्यादा घीस घीस के, रगड़ के कोई ना करे, हल्के हाथ से पेट पे आप मसाज करवा सकते हैं, जहां पे आपके टाके हैं वहां पे बिल्कुल हल्का हाथ से करवा सकते हैं आप। या तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप उस एरिया को इग्नोर कर दीजिए, बाकी जो पेट पे है आप वहां पे मसाज ले लीजिए, बाकी पैर पे, हाथ पे, सिर पे खास करके मसाज आप ले लीजिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है यार, बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है जो नई माँ है उनको ना तो नींद मिल पाती है प्रॉपर, और बहुत बहुत दिक्कत होती है यार, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। तो अगर आप ये मसाज लेते हैं ना इससे पहले, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी फील करेगी, क्योंकि आपको बट ऑब्वियस बहुत आराम मिल रहा है, तो आपको नींद भी उस टाइम पे आएगी जब मसाज होगा, तो तब कम से कम आधा एक घंटे की आप नींद भी ले लेंगे उसी बीच में, तो ये बहुत अच्छा है। तो मसाज तो जरूर आप अपनी जो है बॉडी के लिए करवाइए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो। और देखिए सिजेरियन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आपके डाइट का जो है वो खास करके ध्यान रखा जाता है। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि डिलीवरी के बाद आप सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि खट्टा तीखा ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब कुछ खाइए, जो आपको पसंद है आप खाइए, सिर्फ प्रपोर्शन जो है वो मेंटेन करके खाइए। कहाँ आप 10 पानी पूरी खा जाते थे, उस जगह पे आपको ध्यान ये रखना है कि आप बच्चे को फीड करा रहे हो, तो आप अगर 10 आपका इच्छा है खाने का, तो उस जगह पे आप 2 खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं खानी है। तो आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी,
और तो और जो आपका मन था कि मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है, वो चीज की भी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मैं ऐसा ही करती थी क्योंकि मुझे डिलीवरी के टाइम, जो मुझे डिलीवरी के पहले मुझे कुछ भी खाना पसंद नहीं था बाहर का, ऐसा जनरली मैं बहुत सादा सादा चीजें खाती थी, मैंने आपको बताया पिछले वीडियोज में। तो डिलीवरी के बाद अचानक से ऐसा मेरा हो गया कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बस पानीपुरी के लारी पे छोड़ दो और मैं खा जाऊं सब कुछ, मुझे ऐसा होता था। और हर एक चीज खाने की इच्छा होती थी, चाइनीज पानीपुरी हर एक चीज खाने का मन होता था, पंजाबी। तो मैं यही करती थी कि मंगाती थी घर पे या जाती थी और प्रपोर्शन बहुत मेंटेन करके खाती थी, बहुत यानी बहुत। अगर चाइनीज में खा रही हूँ, आप सभी को पता है चाइनीज नहीं अच्छा है हेल्थ के लिए, अजीनोमोटो वगैरह रहता है, तो मैं बहुत करती थी एक या दो स्पून में खा लेती थी बस, उसमें मेरी इच्छा भी कंप्लीट हो जाती थी कि हाँ मैंने खा लिया। और ये भी होता था कि हेल्थ के लिए भी आपके बहुत नुकसान नहीं करता है वो, आपके बच्चे प्लस तो हेल्दी रहते हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप माँ बन जाती है ना तो अपना तो साइड पे है, पहले ये रहता है कि बच्चा हेल्दी रहना चाहिए। तो जब बच्चा हेल्दी रहेगा तो बट ऑफ आप भी हेल्दी रहेंगी। तो जो अपने हेल्दी डाइट का है वो बहुत ख्याल रखिए कि घर का खाना खाइए और प्रॉपर खाना खाइए, क्योंकि आपको पता है आप फीड करा रही हैं तो आपको प्रॉपर खाने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने खाने में ग्रीन वेजीज ऐड करिए, दाल ऐड करिए, पनीर ऐड करिए, कैल्शियम की सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करिए। जो मल्टीग्रेन चपातीज हैं वो ऐड करिए, मैं यही सब खाती थी तो यही सब मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी डाइट बहुत अच्छी चलेगी, ना आपको प्रॉब्लम होगा और ना आपके बच्चे को। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कुछ लोग मेरे से अग्री करेंगे, कुछ लोग शायद नहीं अग्री करेंगे, वो है कि आपको नींद प्रॉपर लेनी है। अब कुछ लोगों को होगा कि यार नहीं नहीं हम तो माँ बने हैं, नींद कैसे कंप्लीट होगी। तो मैं आपको बताऊं मेरे केस में बहुत बेनिफिट ये था कि मैं जॉइंट फैमिली में हूं, तो लोग मेरे बच्चे को संभाल लेते थे और मैं सो जाती थी। तो देखिए यही बेनिफिट है, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको नींद वगैरह सब प्रॉपर मिल सकती है। अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो शायद ये प्रॉब्लम होगी, बट ऑब्वियस होगी क्योंकि आपके अलावा बच्चे को देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर माँ है तो ठीक है, वो तो मैनेज करना ही है, पर हाँ जितना हो सके अगर बच्चा जब जब सो रहा है तब तब आप सो जाइए। काम देखिए लेडीज में तो है ही कि ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, बच्चे के साथ सब कुछ उनको मैनेज करना रहता है, लेडीज हैं तो बट ऑब्वियस करना ही है उनको, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता उन बेचारियों के पास। बेचारी तो नहीं मैं बोल सकती हूँ यार, ये बेचारी तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ, पर हाँ उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो बस आप इतना कर सकते हैं कि बच्चा जब जब सो रहा है आप सो जाइए। काम देखिए लाइफ टाइम काम चलने वाला है, काम कभी रुकता नहीं है, तो आप ये सोचिए कि स्टार्टिंग में आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो काम होता रहेगा। आप पहले अपने बॉडी को रेस्ट दे दीजिए, 1.25 महीने तक आप रेस्ट दे दीजिए बॉडी को, उसके बाद आप लाइफ टाइम फिट एंड फाइन रहेंगे। एंड जो लास्ट टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है तो वेट लिफ्ट कर लो, सिजेरियन है तो वेट लिफ्ट नहीं करना है। अब नॉर्मल सिजेरियन की बात तो रही दूर की, सबसे पहले तो ये है कि सिजेरियन डिलीवरी में आपको सबसे पहले इसलिए मना किया जाता है कि अंदर जो आपकी स्किन रहती है वो हील नहीं हुई रहती प्रॉपर 6 मंथ तक। डॉक्टर ऐसा ही बोलते हैं कि जो आपके ऊपर की स्किन है वो तो सूख जाती है, वो हील हो जाती है, पर अंदर के जो लेयर्स हैं उनको सूखने में तकरीबन 6 मंथ का टाइम लग जाता है, आपके यूट्रस को प्रॉपर जगह पे आने में 6 मंथ का टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है क्योंकि बैक में भी आपके प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है। तो आप जितना हो सके उतना वेट लिफ्टिंग कम करिए, जिम वगैरह आप कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पर हाँ अपने डॉक्टर के से कंसल्ट करने के बाद आप कर सकते हैं, योगा भी आप कर सकते हैं। मैं योगा ही करती थी, मुझे योगा करना पहले से ही बहुत पसंद है, मैं आज भी योगा ही करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार अपने योगा में ऐड करती हूँ, ताकि सूर्य नमस्कार जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक अगर आप एक स्टेप सूर्य नमस्कार का करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, तो मैं सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा करती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने किया था 10-12 सूर्य नमस्कार करने में तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में बट ऑफ बॉडी बहुत ज्यादा वीक रहती है, पर जैसे जैसे टाइम आपका है वैसे वैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं एंड कर सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एंड वेट लिफ्टिंग की बात रही तो उसमें देखिए नॉर्मल डिलीवरी का तो अभी मुझे नहीं पता क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई नहीं है, पर सिजेरियन में ऐसा है कि आप 6 मंथ तक जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए।
और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरे लिए। घर में ना जब एक छोटा बच्चा आता है तो माँ को लोग भूल जाते हैं, बच्चे को ले लेके सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है वो बच्चे को मिलता है। तो यार बच्चे को अटेंशन दो, बिल्कुल दो, मैं बिल्कुल मना नहीं करती हूँ, पर जो है ना माँ को सबसे ज़्यादा अटेंशन की इस टाइम पर ज़रूरत रहती है। तो माँ को बहुत अटेंशन मिलना चाहिए, माँ और बच्चे दोनों को मिलना चाहिए। बोलते हैं ना जच्चा बच्चा दोनों ही हेल्दी रहें, तो उसलिए अगर आप बच्चे को अटेंशन दे रहे हैं तो उतना अटेंशन माँ को भी दीजिए। ये मत भूलिए कि ये बच्चा जो है वो माँ के थ्रू ही आया है। तो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है माँ को साइड कर दिया जाता है, कॉर्नर में कर दिया जाता है, भाई बच्चा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जो भी मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि माँ इस टाइम पे माँ को बिल्कुल अकेला मत छोड़िए, क्योंकि उनके जो हॉर्मोन्स है बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो बेचारी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वीक रहती हैं, तो उनको आपके साथ की सहकार की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना साथ सहकार उनके साथ रखिए। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो हमने ये काम नहीं करना, हमने वो काम नहीं करना। देखिए डॉक्टर की अगर सलाह मानते हैं आप तो डॉक्टर का ऐसा कहना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं तो, बट ऑब्वियस आप घर का काम कर सकते हैं, क्योंकि घर के काम में तो ऐसा है नहीं कि बहुत जोर जबरदस्ती कुछ है, नॉर्मल आप काम कर सकते हैं। जैसे घर का खाना बनाना हुआ आराम से आप कर सकते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह हुआ, बर्तन कपड़े सब कुछ आप कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर इतना आपको एडवाइस देते हैं कि आपको वेट उठाना नहीं है, तो बस उतना आप ख्याल रखिए, बाकी घर का जो नॉर्मल काम है वो कर सकते हैं हम। आप तो बहुत खुशनसीब हैं कि हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे आपको सवा महीने 21 दिन तक इतना पैम्पर किया जाता है, रेस्ट दिया जाता है कि नहीं आप माँ बनी हैं, आपको लड्डू इतने अच्छे अच्छे बना के खिलाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए जाते हैं। यार जो बाहर कंट्रीज में रहते हैं ना उनको तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो चाहे सीजर डिलीवरी हुआ है, उनको तो ऐसा है कि आपको डिलीवरी करके आप घर पे आए आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको संभालना पड़ेगा, बच्चे से लेके घर से लेके सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे मेड भी बहुत रेयर मिलती है। मेरी खुद की भाभी वहाँ पे रहती हैं तो उन्होंने, उनको 3-3 डिलीवरी हुई है, वो उनका ऐसा है कि नेक्स्ट डे उनको डिलीवरी से जो है डिस्चार्ज मिल गया, डिलीवरी करके वो आई और घर का सारा काम करने लगी। तो यार हम आप तो बहुत लकी हैं कि हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं कि हमको इतना ज़्यादा पैम्पर किया जाता है इस टाइम पे। तो बस मैंने इसी तरीके से मैंने सीजेक्शन डिलीवरी के बाद मेरा ख्याल रखा था, मेरी फैमिली ने मेरा ख्याल रखा था बस इसी तरीके से। तो यही सब आप भी फॉलो कीजिए, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर का कहना मानिए, जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। आप मल्टीविटामिन चालू कर सकते हैं, आप कैल्शियम आयरन की दवा चालू कर सकते हैं, 6 मंथ तक वो खाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स, पर मेरे केस में टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने नहीं खाया है कैल्शियम आयरन की दवा। डॉक्टर बहुत बोलते हैं कि बाद में पता चलेगा, ऐसा बोली थी मेरी डॉक्टर कि बाद में पता चलेगा अभी नहीं खाई, पर मैं, मुझे हुआ यार 9 महीने तक तो मैंने कंटिन्यू आयरन कैल्शियम खाए हैं, वॉमिट की दवा खाई है, अब तो मुझे नहीं खाना, तो मैंने नहीं खाया है। पर आप ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छा रहता है, मैं ये बता रही हूँ आपको कि ज़रूर खाइएगा। तो ये रही मेरी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो अपने बॉडी का आप कैसे ध्यान रखें, मैंने यही सब फॉलो किया था। तो बस ये रही मेरी स्टोरी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये स्टोरीज पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और तो और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलते रहें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मुझे खुशी होगी जान के। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ ये भी बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी ये सारी वीडियोस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरे जो वीडियोज़ हैं इतना प्यार देते हैं, इतना अच्छा कमेंट्स आता है मुझे, तो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।